हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज हम बात करेंगे स्कैपुलर विंगिंग के बारे में। जो हमारी स्कैपुला बोन्स होती हैं नॉर्मली वो थोरेक्स यानी कि पीठ के कॉन्टैक्ट में बनी रहती हैं, लेकिन जब स्कैपुलर विंगिंग यदि आपको है तो आपकी जो स्कैपुला बोन है वो कुछ इस तरीके से उभरी हुई नज़र आती हैं। स्कैपुलर विंगिंग हमारे जो सेरेटस एंटीरियर मसल है और जो स्कैपुला के आसपास के मसल्स हैं उनकी वीकनेस के कारण होता है, और साथ ही जो नर्व इन मसल्स को सप्लाई करती है यदि उसमें पैरालिसिस हो जाता है तो भी आपको स्कैपुलर विंगिंग हो सकती है। अब देखते हैं कि स्कैपुलर विंगिंग के कारण आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब भी आपको स्कैपुलर विंगिंग होगी तो आपका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा पुअर हो जाएगा, साथ ही साथ जो स्कैपुला के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी आप करते हैं, ओवरहेड का मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी में जहाँ पर आपका जो हाथ है वो शोल्डर के लेवल से ऊपर हो, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको शोल्डर की इंजरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपका जो शोल्डर है वो इनस्टेबल महसूस हो सकता है, यानी कि उसमें इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जब भी आप कोई पंचिंग मूवमेंट करेंगे तो उसमें आपका जो है वो पावर उतना जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से यदि आप एक बॉक्सर हैं या कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको पुश करना पड़े तो आपका जो पुश है जो पंच है उसमें आप उतना पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस हम देखते हैं जिससे हमारा जो स्कैपुलर सेरेटस एंटीरियर मसल है और जो स्कैपुला के आसपास के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे और रीएजुकेट होंगे, जिससे आपका जो स्कैपुला है वापस से प्रॉपर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और आप स्कैपुलर विंगिंग को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हमें इस कंडीशन में करनी है। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। आप अपने दोनों पैरों पर और हाथों पर इस तरीके से आ जाएं। अब अपनी एल्बोस को लॉक करते हुए आपकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ ट्रंक पर होगी। आप अपने धड़ को ऊपर की ओर लेकर जाएं और नीचे आते वक्त सांस छोड़ें। इस एक्सरसाइज को हम स्कैपुलर पुशअप कहते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल स्ट्रेंथन होता है, जिससे आपका जो स्कैपुला है वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज के आप दो सेट्स करें। नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपके 10 से 20 के बीच हो सकते हैं। आपकी स्पाइन को आपको न्यूट्रल रखना है। स्कैपुलर बॉल स्लाइड्स के लिए पिक्चर में दिखाए गए पोजीशन में आप आ जाएं। अपने दोनों पैरों को दीवार से थोड़ा सा दूर रखें और अपनी पीठ को बाहर की ओर आने दें। इस पोजीशन में आपकी जो स्कैपुला बोन है वो एकदम कोने पर चली जाएंगी। आपकी जो एल्बो हैं वो कॉन्टैक्ट में रहेंगी दीवार के। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए आपको अपने हाथों को स्लाइड करना है दीवार पर ऊपर की तरफ। इस एक्सरसाइज से हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल एक्टिवेट होगा। आपकी रेंज अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग आपकी मोबिलिटी कितनी है। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं।